नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों के बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा कि किन किन कारणों से गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। आज हम उसके परिणामों पर चर्चा करें या उसके कालक्रम पे उसकी घटनाएं, तत्कालीन घटनाएं क्या थी, उस पर चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले क्रिस मिशन भारत आया और क्रिस मिशन की असफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गांधी जी ने 5 जुलाई 1942 को हरिजन में लिखा कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा बैठक 7 जुलाई से 14 जुलाई 1942 को ये प्रारंभ की गई और इस भारत छोड़ो प्रस्ताव की वर्धा बैठक में जो शामिल नेता थे उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र बोस, सैयद महमूद, आसफ अली, जे बी कृपलानी और गांधी जी, ये प्रमुख नेता थे और इन्होंने सब ने मिलकर भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को पारित किया। अब भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव में जो उद्देश्य दिए गए थे वह निम्न प्रकार से थे। उन उद्देश्यों में पहला ये था कि भारत से विदेशी सत्ता का अंत हो, दूसरा भारतीयों को किसी भी प्रकार के संकट के लिए जागरूक किया जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए, तीसरा विदेशी सत्ता को समाप्त करके सांप्रदायिक एकता स्थापित की जाए, चौथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसार के सभी देशों में शोषित लोगों के लिए नैतिक व धार्मिक नेतृत्व को स्थापित किया जाए, एशिया के सभी उपनिवेशों जो देश थे उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनको सहायता देना ताकि वे भारत की तरह ही स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, और एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करना। ये वर्धा बैठक के उद्देश्य थे। गांधी जी के विभिन्न भाषणों में इस जन आंदोलन को विभिन्न वर्गों के लिए जो भी निर्देश दिए गए वह निम्न प्रकार से थे। पहला, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। तीसरा, राजा और महाराजा अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। चौथा, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल हो जाने तक वे अपने निर्णय पर डटे रहें। किसान सरकार को मालगुजारी न दें। छठा, जहां जमींदारी प्रथा है वहां यदि जमींदार सरकार का साथ दे तो उसे कोई कर न दें। और सातों, सभी संप्रदाय इसमें भाग लें। करो या मरो, डू और डाई का नारा। गांधी जी ने इस जन आंदोलन करो या मरो, डू और डाई का नारा, गांधी जी ने कहा कि इस जन आंदोलन में सब साधनों, हिंसात्मक या अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसके फलस्वरूप उन्होंने कहा कि मैं हिंसा नहीं चाहता, परंतु यदि हिंसा आरंभ होती है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। यह हमारी विदेशी शासन सत्ता के विरुद्ध अस्त्रहीन क्रांति होगी। यह सबसे बड़ा आंदोलन होगा और यह आंदोलन कांग्रेस के लिए अंतिम कोशिश होगी जिसमें या तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या मर मिटेंगे। सरदार पटेल ने इलाहाबाद में विद्यार्थियों से कहा कि वे इस आंदोलन में कोई भी साधन अपना सकते हैं। कांग्रेस उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए नहीं होगी, उन्हें स्वयं निर्णय करना होगा कि किस परिस्थिति में क्या करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझे तथा विदेशी सत्ता के आदेशों का उल्लंघन करे, यह संदेश उन्हें घर घर तक पहुंचाना होगा। सुमित सरकार ने लिखा कि आंध्र की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिसमें 6 चरणों की रूपरेखा दी गई थी वह ये थे। पहला चरण, सभी आदेशों का उल्लंघन करना, नमक बनाना व गैर कानूनी सभाओं की सदस्यता ग्रहण करना, तो पहले चरण में ऐसा करना था। दूसरे चरण में वकील वकालत छोड़ देंगे, विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देंगे, महाविद्यालय छोड़ देंगे, जज अदालत
और सरकारी कर्मचारी नौकरियां छोड़ देंगे। तीसरे चरण में मजदूर हड़ताल करेंगे। चौथे चरण में विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों, विदेशी मुद्रा का बहिष्कार किया जाएगा। और पांचवें चरण में गाड़ियां रोकी जाएगी, बिना टिकट यात्रा करना, टेलीफोन, टेलीग्राम के तारों को काटना आदि किया जाएगा। और छठे चरण में कर नहीं देंगे, सेना को रोकेंगे, बंदी बनाने पर भी आंदोलन स्थगित न करना, ये सब चीज़ें छह चरणों में व्यवस्थित रूप से बताई गई गांधी जी ने। गांधी जी का प्रसिद्ध भाषण, गांधी जी ने अपने भाषण में 8 अगस्त 1942 की रात्रि में कहा कि मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ, अगर हो सके तो आज रात ही, पौ फटने से पहले ही, मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट होने वाला नहीं, आज़ादी से कुछ कम भी नहीं। एक मंत्र, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। वह मंत्र है करो या मरो। या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। नेहरू जी ने भी 8 अगस्त 1942 को कहा कि हमने स्वयं को अग्नि में धकेल दिया है, या तो हम इसमें से सफलतापूर्वक बाहर निकल आएंगे या इसी के साथ समाप्त हो जाएंगे। आंदोलन की क्रिया प्रतिक्रिया, अर्थात इस आंदोलन को प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद कौन कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया हुई। 9 अगस्त 1942 को सुबह जल्द ही महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को व अन्य देश के अन्य भाग से कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने घबराकर बंदी बना लिया। अब गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, आजीफ असली, जे बी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर सीतारमैया, डॉक्टर सैयद अहमूद, जे बी कृपलानी आदि को अहमदनगर किले में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नज़रबंद रखा गया। यह कांग्रेसी नेता 15 जून 1545 तक बंदीगृहों में रहे और सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कार्यकारिणी व प्रांतीय कांग्रेस समिति को गैरकानूनी घोषित कर दिया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। सरकार के द्वारा की गई गिरफ्तारियों से देश भर में जनता अचंभित व क्रोधित व अनियंत्रित हो गई। मुंबई में लाखों लोग ग्वालियर टैंक की ओर उमड़ पड़े। जनता ने पूरे देश में जुलूस व हड़तालें की। सरकार ने प्रेस पर हमला करते हुए बहुत से अखबारों जैसे नेशनल हेराल्ड और हरिजन को प्रतिबंधित कर दिया। प्रांतीय व स्थानीय नेता जो गिरफ्तारियों से बच गए थे, उन्होंने अपने प्रांतों में जाकर विद्रोह का नेतृत्व किया। कुछ स्थानों पर विशाल भीड़ ने पुलिस थाने जला दिए, डाकघर, कचहरियाँ, रेल स्टेशनों पर आक्रमण किया व सार्वजनिक भवनों पर उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। अब आंदोलन हिंसक हो गया। रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गई, पुल उड़ा दिए गए, टेलीफोन व तार की लाइनें काट दी गई। अहमदाबाद में कांग्रेस ने कारखाने 3.5 महीने तक बंद रखे। मुंबई में 1 हफ्ते से ज़्यादा और जमशेदपुर में 13 दिन कारखाने बंद रखे गए। बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्रोह जैसा माहौल था। विद्रोहियों के नारे थे, थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो, अंग्रेज भाग गया। उत्तर में मध्य बिहार की 80% थानों पर जनता का राज हो गया। कई स्थानों पर सरकार ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई तो क्रोधित भीड़ ने अंग्रेजों की हत्या कर दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1630 व्यक्ति पुलिस की गोलियों के शिकार हुए और 940 व्यक्ति मारे गए। 60,229 व्यक्ति बंदी बनाए गए। 60 जगहों पर फौज की सहायता ली गई और 6 जगहों पर बमों का प्रयोग किया गया। जनता पर अमानवीय अत्याचार किए गए। गांवों पर सामूहिक जुर्माने लगाए गए और ग्रामीणों की कोड़ों से पिटाई की गई। देश एक पुलिस राज्य में बदल गया। जयप्रकाश नारायण बिहार की हजारीबाग जेल से फरार होकर अपने सहयोगियों के साथ आज़ाद दस्ता बनाकर सशस्त्र संग्राम की तैयारी व जन क्रांति करने लगे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी, छोटूभाई पारिक, बीजू पटनायक,
आरपी गोयनका, जय प्रकाश नारायण आदि प्रमुख नेता जो इस आंदोलन में सक्रिय रहे। यह लोग पैसा, बम, हथियार, बारूद आदि इकट्ठा करते और गुप्त समूहों में बांटते थे। ये गुप्त समूह मुंबई, पुणे, सतारा, बड़ौदा, कर्नाटक, आंध्र, केरल, यूपी, बिहार और दिल्ली में अधिक सक्रिय थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक इन गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। वैसा वर्ग का भी इस में समर्थन था। सुमित मोरारजी, जो बाद में देश की प्रमुख महिला उद्योगपति बनी, अच्युत पटवर्धन के लिए रोज एक नई कार की व्यवस्था करती थी ताकि उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जा सके। मुंबई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन होता, जिन्हें मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रोटियों पर बोलते थे और नवंबर 1942 में पुलिस ने इनको जब्त कर लिया। गांधी जी का उपवास एवं रिहाई। गांधी जी ने दमन और हिंसा के लिए सरकार को दोषी ठहराया और आगरा का पैलेस में अपनी गिरफ्तारी के दौरान 10 फरवरी से आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास उन्होंने प्रारंभ किया। अब लोगों में जन आक्रोश बढ़ने लगा। आगरा पैलेस के बाहर सत्याग्रह करने की लोग छिपकर पुणे में पहुंचने लगे। सरकार के पास गांधी जी की रिहाई के लिए हजारों चिट्ठियां पहुंची। विदेश से भी गांधी जी को रिहा करने के लिए सलाह दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्य एनआर सरकार और एचपी मोदी ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने गांधी जी की बिगड़ती हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त हम कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमारा दुश्मन रहा। सरकार गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी, पर हमेशा की तरह गांधी जी ने अपने विरोधियों को मात दी और 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने सफलतापूर्वक अपना उपवास समाप्त किया। गांधी जी की बिगड़ती दशा को देखकर सरकार ने उन्हें 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। इस समय की इस समय रचनात्मक कार्य कांग्रेस की प्रमुख गतिविधियों में से थे। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सरकार को विवश होकर गांधी जी से वार्ता प्रारंभ करनी पड़ी। आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों की स्थापना हुई। पहली सरकार बलिया के चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। दूसरी सरकार बलिया के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार राष्ट्रीय सरकार बनी, जो सितंबर 1944 तक रही। सतारा महाराष्ट्र की समांतर सरकार सबसे ज़्यादा समय लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। वाई बी चौहान यहाँ के महत्वपूर्ण नेता थे। आंदोलन के असफलता के कारण यह आंदोलन क्यों असफल हुआ? आंदोलन के समय प्रमुख नेता बंदी बना लिए गए थे। सरकारी दमन चक्र इतना ज़्यादा चल रहा था कि 1942 की यह क्रांति असफल हो गई। मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रही। रूस के प्रभाव के कारण कम्युनिस्ट पार्टी भी इस आंदोलन के विरोधी बन गई थी। देसी रिहासें इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थी। हिंदू महासभा के प्रधान वीर सावरकर तथा हिंदू महासभा के अन्य नेताओं ने यदि सरकार की कटु आलोचना की, लेकिन आंदोलन में हिंदुओं को भाग न लेने के लिए कहा। धीरे धीरे इसका रवैया भी बदलने लगा और 31 अगस्त 1942 के प्रस्ताव में इसने पूर्ण स्वतंत्रता और भारत में राष्ट्रीय सरकार की मांग की। उदारवादी नेता तेज बहादुर सुप्रू व हृदयनाथ कुंदरू भी इस आंदोलन के विरोधी थे। अकाली भाइयों व ईसाइयों ने भी इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु पारसी इस आंदोलन के पक्ष में थे। वे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। असफल होने के बाद भी इस आंदोलन के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व में हम देखते हैं कि 1942 की क्रांति को यद्यपि कुचल दिया गया, परंतु इसके महत्व फिर भी कम नहीं है। जैसे
इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता ने अपने आक्रोश को और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली ढंग से अंग्रेजों के समक्ष रखा था। इस आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था कि अब वह भारत को अधिक समय तक बंदी या गुलाम नहीं बनाए रख सकते। जयप्रकाश नारायण ने 1942 की क्रांति का महत्व बताया कि सन 42 की क्रांति का भारत के इतिहास में वही स्थान है जो फ्रांस या रूस की क्रांति का अपने अपने देश में है। इतने बड़े जन समुदाय ने दूसरी किसी क्रांति में भाग नहीं लिया था। इस आंदोलन ने यह भी सिद्ध किया कि अहिंसात्मक साधनों की तुलना में विध्वंसात्मक साधन शीघ्र परिणाम देने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना उग्र हो गया था कि ब्रिटेन को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा, लेकिन भारत को ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वतंत्रता भेंट में नहीं मिली। यह स्वतंत्रता भारत के कड़े संघर्ष का परिणाम थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 25 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वावेल ने शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहलाता है, का महत्व ज़्यादा था और जो भी इससे पहले आंदोलन हुए वो इतने विशाल व विस्तृत नहीं थे जितना कि भारत छोड़ो आंदोलन था। थैंक यू।